नमस्कार, आज हम बनाने वाले हैं चॉकलेटी मोदक। मोदक तो आप सब कई तरह से बनाते होंगे, लेकिन आज जो हम मोदक बनाने वाले हैं, इसे बनाने के लिए आपको गैस जलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यानी कि यह मोदक हम बिना गैस जलाए बनाने वाले हैं। इस तरह के चॉकलेटी मोदक बच्चों को बहुत पसंद आता है और ये कम समय में जल्दी से बन जाते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं मोदक बनाना। मोदक बनाने के लिए हमने यहाँ पर छोटे वाले 4 पैकेट ओरियो बिस्किट लिया है। तो सबसे पहले हम बिस्किट का पैकेट फाड़कर बिस्किट को प्लेट में निकाल लेते हैं। इसी तरह हम सभी बिस्किट का पैकेट फाड़कर बिस्किट को निकाल लेते हैं। आप चाहें तो इसकी जगह बड़े वाले 2 पैकेट बिस्किट ले सकते हैं। सभी बिस्किट का पैकेट फाड़कर हमने बिस्किट को निकाल लिया है। अब जो बिस्किट के अंदर क्रीम है, उन्हें हम बिस्किट से अलग कर लेते हैं। यानी कि क्रीम को हम चाकू से इस तरीके से निकाल लेते हैं। एक एक करके हमने सभी बिस्किट का क्रीम निकाल लिया है। अब हम मोदक के लिए स्टफिंग को तैयार करेंगे। क्रीम में हम लगभग 2 चम्मच नारियल बुरादा डालकर मिला लेते हैं। सारे क्रीम को हम हाथ से मसलते हुए मिला लेते हैं, जिससे नारियल बुरादा क्रीम आपस में मिल जाएं। अभी क्रीम थोड़े ज़्यादा नरम है, इसलिए हम इसमें 1 चम्मच नारियल बुरादा और डाल देते हैं, क्योंकि स्टफिंग हमें बहुत ज़्यादा नरम नहीं बनाना है। मोदक के लिए हमने स्टफिंग बनाकर तैयार कर लिया है। अब हम बिस्किट की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हमने जार लिया है, इसी जार में हम बिस्किट को तोड़कर डाल देते हैं, क्योंकि इसे पीसकर इसका बारीक पाउडर बनाना है। हम बिस्किट को 2 भागों में करके पीसेंगे, क्योंकि जार छोटे हैं। आधे बिस्किट को तोड़कर हमने जार में डाल दिया है। अब इसको पीसकर इसका पाउडर बना लेते हैं। बिस्किट को हमने बारीक पीस लिया है। अब इसको हम एक बड़े बाउल में निकाल लेते हैं। आप देख सकते हैं बिस्किट को हमने एकदम बारीक पीसा है, इसमें बिस्किट के टुकड़े नहीं हैं। अब इसी तरह हम बाकी बचे हुए बिस्किट को पीस लेते हैं। ये बचे हुए बिस्किट को हमने पीस लिया है। अब इसे भी बाउल में निकाल लेते हैं। यहाँ पर हमने आवश्यकता के अनुसार फुल क्रीम दूध लिया है। दूध को हमने उबाल कर एकदम ठंडा करके लिया है, दूध कच्चे नहीं हैं। अब बिस्किट में हम दूध को डालकर इसका डो बनाएंगे। बिस्किट में हम लगभग 2 से 3 चम्मच दूध डाल देते हैं। हम एक साथ इसमें दूध नहीं डालेंगे, पहले हम 3 चम्मच दूध डालकर बिस्किट में मिला लेते हैं, जिससे बिस्किट का डो ज़्यादा मुलायम न बने। हम इसमें लगभग 2 चम्मच दूध और डाल देते हैं। हमें बहुत मुलायम डो नहीं बनाना है और ना ही तो बहुत टाइट बनाएंगे। डो को हमें मीडियम में बनाना है। इसमें हम तेल और चीनी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि ये बिस्किट मीठे होते हैं। आप देख सकते हैं बिस्किट को हमने गूंथकर इसका डो बना लिया है। बिस्किट का डो हमने इतना मुलायम बनाया है। डो बनाने के लिए हमने इसी चम्मच से 5 चम्मच दूध का इस्तेमाल किया है। हमने पूरे दूध का इस्तेमाल नहीं किया है, इतने दूध बच गए हैं। अब हम मोदक को बनाएंगे। यहाँ पर हमने मोदक वाला सांचा लिया है। अब इसी से हम मोदक को बनाएंगे। इस तरह के मोदक वाला सांचा मार्केट में आसानी से मिल जाते हैं। थोड़ा सा बिस्किट का डो हम हाथ में लेंगे और इसको हम इस तरीके से हाथ से मसलते हुए लंबे आकार में बना लेते हैं, जिससे सांचे के अंदर पूरी तरह से पहुंच जाएं। डो को हम सांचे के अंदर डालकर बीच में उंगली से जगह बना लेते हैं। अब इसमें हम नारियल और क्रीम का स्टफिंग करेंगे। बहुत ज़्यादा हमें इसे नहीं लेना है, सांचे के अंदर जितना जगह है हम उतना ही भरेंगे। इसके ऊपर से हम ब्लैक वाले पार्ट से कोट कर देते हैं, जिससे सफ़ेद वाला पार्ट दिखे ना। अब सांचे को खोलकर हम आपको दिखाते हैं। आप देख सकते हैं इस तरह से हमारे पहला मोदक बन गया है। इसी तरह हम सभी डो का मोदक बनाएंगे। एक मोदक बनाकर हम आपको और दिखाते हैं। पहले थोड़ा सा डो हम लंबे आकार में बना लेते हैं। अब इसे हम सांचे के अंदर डालकर बीच में जगह बनाएंगे। अब सांचे के अंदर जितना जगह है उतना हम स्टफिंग कर लेते हैं।
अब हम इसके ऊपर से काले वाले पार्ट्स पैक कर देते हैं। ये दूसरा वाला मोदक बन गया है। अब एक मोदक हम बिना सांचे के बनाकर आपको दिखाते हैं। जितना बड़ा लोई हमने पहले बनाया था उतना बड़ा लोई हम फिर से हाथ में लेंगे और लोई को हम दोनों हाथ से गोल करके चिपटा कर लेते हैं। अब इसे हम कटोरी जैसा बनाकर बीच में जगह बना लेते हैं। अब इसके अंदर हमें स्टफिंग करना है। हम यह मोदक सांचे वाले मोदक के साइज में बना रहे हैं, लेकिन आप मोदक को छोटे या बड़े साइज में बना सकते हैं। अब इसे हम पैक करते हुए मोदक के आकार में बनाएंगे। इस तरह हमने मोदक के आकार में बना लिया है। यहाँ पर हमने लकड़ी के तीली लिया है। अब इसी से हम मोदक का डिजाइन बनाएंगे। हम मोदक में हल्के हाथ से निशान लगाएंगे जिससे फटे ना। आप चाहें तो चम्मच या फिर चाकू से भी निशान लगा सकते हैं। आप देख सकते हैं बिना सांचे के हमने हाथ से मोदक बनाया है। एक करके हमने सारे मोदक को बनाकर तैयार कर लिए हैं। चार पैकेट बिस्किट में हमने 10 मोदक बनाया है। यह मोदक बनाने में हमें पूरे 10 मिनट लगे हैं। यहाँ पर हमने एक मोदक हाथ से बनाया है और बाकी के मोदक हमने सांचे से बनाया है। अब एक मोदक हम काट कर आपको दिखाते हैं कि अंदर से कैसा बना है। यह मोदक बहुत मुलायम बने हैं। यह चाकू लगाते ही कितने आसानी से कट गए। वैसे तो मोदक लोग गणेश चतुर्थी के अवसर पर ज़्यादा बनाते हैं, लेकिन आप इस तरह के मोदक किसी भी अवसर पर झटपट से बना सकते हैं। इसे बनाने के लिए आपको गैस जलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये बिना गैस जलाए झटपट से बन जाने वाला मोदक है। अगर आज का वीडियो हमारा आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।